हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं इंदौरा विलेज, इंदौरा पार्क, जो कि डायनासोर पार्क के नाम से फेमस है। गांधीनगर ग्रीन सिटी में लोकेटेड है। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है और ग्रीनरी के लिए तो जाना जाता ही है। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हमने एंट्री करी है, हर जगह ग्रीनरी, नेचर ने खुद ही देखे कितनी अच्छे से अपना ना नेचुरल अपने गेट बना रखे हैं। तो काफ़ी सुंदर है, आपको बड़े अच्छे से मेंटेनेंस बहुत अच्छे से रखते हैं यहाँ पे। ये गांधीनगर में गुजरात गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। जो भी फॉरेस्ट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको इसकी मेंटेनेंस करते हैं। और 30 रुपीज़ एडल्ट के चार्ज हैं, और अगर आप टू व्हीलर ला रहे हैं तो 15 रुपीज़ है। और देखिए, और इसका नाम है बेटा एलोसोरस, एलोसोरस। उसका है स्टील सॉ, स्टीगोसोरस। आ जा, जा आ जाओसोरस है वो, एलोसोरस का। मम्मी आ जाओ, कितना अच्छा लगता। आ जाओ अभी वो ने सॉ ओमनी वो दोनों तरह के जो भी डायनासोर होते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप दी गई है। हाँ देखो, ये मंकी भी है। अच्छा, मंकी तो लिविंग थिंग है ना, देखो ये मम्मी पापा उसका बच्चा आराम से बैठे हैं। हेलो,
बेटा स्पीड से चलो, टोटो ये भी वहां पर पहुंच। पूरी जगह हर जगह आपको अच्छी तरह मिल जाएगी। एक स्टैचू को भी नीचे काफी लोगों को आप घर में रिजॉर्ट जैसा होता है वैसे भी उन्हें जंप लगाते हैं बंदर सारे पे जंप को भगा देते हैं। स्ट्रक्चर बना रखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा बहुत अच्छी फॉर्म में बना रखा है। पूरी लकड़ियाँ बीच में डंप करके बीच में काफ़ी अच्छे स्टोन रख सकते हैं। तो ये देख लिया कमल खेलते हैं कभी फिलहाल आपको कोई भी कमल का दिखा बहुत अच्छा लेटर है बहुत स्ट्रक्चर बना रखा है काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी फॉर्म में बना रखा है पूरी लकड़ियाँ बीच में डर करके बीच में काफ़ी अच्छे स्टोन रख सकते हैं देख लिया हो यहाँ पे पूरा सेटिंग का अरेंजमेंट है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट को मिलते हैं। और अब हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया और हम लोग जू की तरफ बढ़ रहे हैं।
को भी नींद आ रही है। सीन है नहीं? ये भी वेनमस स्नेक है, वर्जन इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्केल है भाई, एक वाइट कलर का है और एक अलग से करते हैं। जो ज़्यादा खतरनाक है जाए तो उसको रखे हैं। उसका नेम है रेड सैंड, देखिए कितने मोटे से है ना। उसका मुंह ना बेरा पाटा किस साइड है? दोनों साइड से ना एक जैसे ही लगते हैं लुक वाइज, और ये नॉन वेनमस से कम जहरीला है। गीली मिट्टी भी लग सकती है वहाँ पे और अलग से पानी का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, और ये नेचुरल फूल बनाने के लिए पेंटिंग कर रखे ताकि उन्हें फील आए कि ये फॉरेस्ट है, लेकिन इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये है कॉमन सैंड, ये भी नॉन वेनमस है, और हर जगह आपको दिखेगा धोखा देगा कि पानी में सही गर्मी में ये आराम से स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लपेट दे मुझे पता नहीं है ना, ऐसी जकड़ मारते हैं कि सारी गुंज क्रैक हो जाती है। एक छोटा सा बहुत मिलते हैं, मैंने उसी मारा में बहुत सारे दे सकते हैं। डेली में देखे रखे थे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटी के, लास्ट टाइम जब मैं विजिट करी थी तो अभी मम्मी आई है तो मैं लगाने काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स बना रखे हैं, और एक पार्क है बैठने के लिए जो यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू करना चाहते हैं, इवनिंग में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये भी न्यू एडिशन ऐड हुआ है कि ये चेयर के ऊपर ये शेड्स लगा देंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, तो लोग दोपहर में यहाँ पे आराम से बातचीत कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। ये सही नेचर का आते हुए सही की पूछ रहे कि कितनी लंबी होती है, और ये हैंग कर रहे, और ये भी बना रखा पता नहीं इसमें कुछ है नहीं, कौन सा स्नेक था। चल अब हम आगे चलते हैं वगैरह देखेंगे। मम्मी मम्मी जी आता ये देखो इसका हाथ पकड़ो,
गिलहरी खान लग रही है होने का। मिर्चों के खाते हैं और इनके लिए तरबूज बहुत खुशों के खाते हैं, गाजर मिर्ची गिलहरी खान लग रही है माता। एक दो फोटो और दो बढ़िया फोटो खींचेंगे आपको। मिट्टू हेलो मिट्टू उल्लू है वो उल्लू जो सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। वो देखो पानी में से ही वेदर देखिए आप। ये रहा मेरा शैतान लड़का। यहाँ जाओ मी। मेंटेनेंस देखिए आप इस पार्क की। वेदर देखिए आप। ये रहा मेरा शैतान लड़का।
मेंटेनेंस देखिए आप इस पार्क की। यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी हमने जब विजिट करा था तब भी इतना ही ज़्यादा क्राउड था। आई थिंक सितंबर में आई थी ना यहाँ पे लास्ट ईयर, और एक बार हम विंटर्स में गए थे। यू गा जाते हैं यहाँ पे, उसे वॉक करना पसंद है। रश देखिए आप कितना ज़्यादा क्राउड है। हाथ पकड़ ले। ये योग आराम से, बच्चों की लाइफ अच्छी होती है। सर पे चढ़ के बैठ के आराम से देखते हैं। क्या देख रहे हो आप? ये देखो मजे ले रहा है सही। ना देखें इनके लिए पूरे पानी का अरेंजमेंट कर रखा है। ये कभी भी नहीं मिलता हमें। लास्ट टाइम भी देखो पूरा ना कवर कर रखा है ताकि रात को इसमें करंट भी छोड़ते हैं, और वहाँ पे कैमरास भी हैं, और उसको फ्री फील हो तो काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं। हम वापस चलते हैं और डियर वगैरह देखने जा रहे हैं, वो दूसरी सेक्शन में है। यहाँ पे सिर्फ लॉयन टाइगर वगैरह है। Thank you.
आपका ना तुम फोटो खींच दे मैं बदमाश सीधे करो पार्ट है यहाँ पे डियर वगैरह है वहाँ पे आ रहे हैं लॉयन वगैरह लिपर्ड हमने सब देख लिया आपको दिखा दिया है फिलहाल आज की जबकि लॉयन अंदर अपनी केज में थे कभी बाहर निकले लास्ट टाइम दो दो जो इनका कपल है पेयर बाहर आया हुआ था इस बार एक अच्छा रास्ता पूरा जाता हुआ ये डियर वगैरह और जो भी लिजर्ड है क्रोकोडाइल वहाँ पे जाते हैं तो आपको कुछ 1 किलोमीटर वॉक करनी है तो कंफर्टेबल ऐसी चीज़ें पहन के आनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं तो मैं ब्लू कलर की फ्लैट्स पहनती हूँ मेरे भगवान की दया से अच्छी है आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है जो लोग यहाँ पे हिल स्टैंड जाते हैं उनको समझ में नहीं आता रैम वॉक करने नहीं जा रहा वॉक करके नेचर का इंजॉय करने जा रहे हो तो बेटर है कंफर्टेबल चीज़ें पहन के अपनी गाड़ी कहाँ आगे जाते हुए पाइथन अजगर है माता अजगर वो रहा बुढ़ा है दिखाई नहीं देता अरे वो रहा अंदर दिखा मामा जिंदा है हेलो तुम जो मम्मी जी ऊपर चला चली जैसे कहा नीचे ये तो खड़े हैं बढ़िया ऊपर साथ बहुत ब्रीजी छोड़ दी ना गांधीनगर मोस्टली अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है और यहाँ पे जो जू है ये काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है हर जगह सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया कैमराज हर जगह है तो काफी अच्छी प्लेस है आपके लिए की इवनिंग के लिए आप पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं अपने घर से कुछ बढ़िया चीजें बनाए क्योंकि सिर्फ नारियल पानी के अलावा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा फिर नारियल पानी सेल हो रहा था हम तो अपने घर के जूस कैरी करके आए थे तो हमने बच्चों तो आगे देखें क्या मिलता है आपको दिखाएंगे राइट और लेफ्ट राइट कलकत्ता यहाँ वेल का वो है जमीन स्टैचू अस्सी आज भी नहीं दिखते हीरे नोरन है ना ना अरे थे फेस्टिवल तो और ये जो है
लेगा प्रोजेक्ट का हाथ नहीं लगा तो ये चीज के अंदर वहां पे भी फिर है ना माता बारह सिंगा भी है देख बारह सिंगा पूरा पीछे वाइट कलर के लोग ना कर रहे क्या ये घने नुकसान ना करे आ रहे ना जो व्हाइट कलर के मतलब सर साउंड है पत्ते तो बना हूँ खतरे से कह रहते हैं शेर इन नजब्बा खा जा रहे हैं शरीफ शरीफ जानवर हो यार ये वाइट ब्लैक वन इनोसेंट सबसे सबसे इनोसेंट और काइंड एनिमल आ जाओ मैं आ जाओ चल पोस्ट कर लेना बच्चे इधर उधर है इधर एक मिनट इधर एक काम होता है चल अब ये चलते हुए युग खा लेगा ये भाई हीरो नंबर वन वॉक करता हुआ ये रहा हीरो नंबर टू
हर जगह पिकॉक घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। और पिकॉक और डियर दोनों ही शांत एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, तो ये आराम से इनमें बॉन्डिंग होती है, ट्यूनिंग कोई इशू नहीं है, दोनों को आराम से एक साथ रहते हैं। और ये यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ अट्रैक्शन के लिए बना रखे हैं स्टेयर्स ऊपर से उतरने के लिए, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचाई थी। और आगे आपको व्हेल का डमी मिल जाएगा, उसकी बोन्स का। आपको वेल की बोन्स मिल जाएंगी, उसका जो पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं, बॉडी शेप, ब्लू वेल का ये पूरा बैक बोन और ये जितनी भी बोन्स होती हैं उसकी बॉडी में, पूरा उसका आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे खूब सारे मंकी कूद रहे थे, अब क्राउड जाने लगे क्योंकि 6:30 हो चुके हैं। और वो रहा मेरा बदमाश बेटा, वहाँ से आता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, वो अलग ही दुनिया में चलता है, सारी जगह रनिंग करता है। और ये क्यूट सा बच्चा, एक और छोटा सा, ये भी घूम रहा है, ये आ गया लुक। अच्छा युग अभी टॉर्टोइज देखे, कोई बात नहीं है, काफी बड़ा सा है, वो रेस्ट है। और यहाँ पे पोर्क्यूपाइन का केज है, आई गेस मिल जाए, देखिएगा पोर्क्यूपाइन। ये भी टर्टल है आई थिंक, इसमें कुछ नहीं है। मूवमेंट कर रहा है, वो घूम रहा है। अरे खिला दो ना एक, मुझे तो दिखा ना, मुझे दिखा। अरे देखो, अरे मुझे तो दिखा। अरे रुक जा ना, पापा मुझे भी खिला, मुझे भी खाने खिलाओ ना इसको। रुक जा बेटा, ये सबसे खाता है, सबसे अच्छा लगता है। दीप का तो दोस्त बन जाए, ये
देखो इसको भूख लगी थी, इसने प्यार से खा लिया। मम्मा मुझे भी खा दो, मैं खा लूं। चलो टाटा के चलो। मम्मी इसको मैं डाल दूं, पापा मुझे भी खिला दो। आप भी आप पूछिएगा ना, पापा मुझे भी खा लो, खिला लो तो ना। आप तो आप नहीं पूछिएगा, पोते हो ना दुनिया उठा रही है। अरे आपके नाम तो मैं दे रहा हूँ ना, अब ये लोग फोटो इतना बार लेते हैं कि बच्चे ना आप नहीं पूछेगा आपका। यू के पैर दुख रहे, अब यहीं पे अब समापन करते हैं, एंडिंग करते हैं अपनी वीडियो का। आज का व्लॉग आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को कैसा लगा, क्या क्या एंटरटेनिंग लगा, कमेंट ज़रूर करिए। जिन्होंने अभी हिट फिट अहलाद को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।